अरे अजय भैया, गाड़ी रोकना, बैठे बैठे कमर अकड़ गई है। अजय ने कहा, क्या भाई तुम भी ना यार, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, ऊपर से तुम और देर कर रहे हो। ठीक है, रोक देता हूँ, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। अजय ने ट्रक रोक दिया और दोनों ही नीचे उतर गए। अजय ने कहा, अरे मनोज, तूने बोरियाँ तो अच्छे से गिनी थी ना, कहीं कम ज़्यादा हो गई तो नौकरी इस बार चली जाएगी। मनोज ने कहा, हाँ भैया, मैंने पिछले बार जैसी गलती नहीं की है, माल एकदम बराबर है, तुम चिंता मत करो। अजय और मनोज रात को सड़क के किनारे थोड़ा रुक कर अपनी कमर सीधी करने लगे। पिछले 10 घंटों से ये लगातार सफ़र कर रहे थे और अभी भी 4 से 5 घंटे का सफ़र बचा हुआ था। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था और दोनों के हाथों में एक एक टॉर्च थी। मनोज ने कहा, तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मनोज झाड़ियों के बीच में चला गया। अजय वहीं खड़े हुए उसका इंतज़ार करने लगा। तभी उसे मनोज की आवाज़ सुनाई दी, अजय भैया ज़रा इधर तो आओ, देखो ये क्या है। अजय थोड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर वहाँ क्या चीज़ होगी। वो सीधे झाड़ियों के बीच में चला गया। उसकी नज़र झाड़ियों के बीच एक अजीब से काले साए के ऊपर गई, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या चीज़ है। वो कोई इंसान है या किसी और चीज़ की कोई परछाई है, ये समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। अजय ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई वहाँ बैठा हुआ है, रुको मैं आवाज़ देता हूँ। अरे भाई, कौन है वहाँ, सुनो कौन है। पता नहीं वहाँ कौन था जो जवाब भी नहीं दे रहा था। मनोज ने कहा, पास जाकर देखें क्या, कह नहीं सकते वो कोई इंसान है या नहीं। अजय ने हाँ कहा और दोनों ही चल दिए उस साय की तरफ। वो साया पेड़ के पीछे था, यानी हो सकता था कि पेड़ के पीछे कोई बैठा हो या कोई ऐसी चीज रखी हो जिसकी परछाई इंसान की परछाई की तरह दिखाई दे रही थी। दोनों धीरे धीरे वहां जाने लगे, लेकिन तभी दोनों को कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो थोड़ा डर गए। उन्होंने सामने की ओर टॉर्च की रोशनी से देखा कि 2-4 कुत्ते खड़े हुए थे और पेड़ के पीछे की तरफ ही किसी को देखकर भौंक रहे थे। मनोज ने कहा, ये कुत्ते अचानक कहाँ से आ गए। अजय ने कहा, उससे हमें क्या, चल भाई निकलते हैं यहाँ से, पता नहीं क्या है वहाँ जो कुत्ते ऐसे भौंक रहे हैं। मनोज ने कहा, लेकिन देखना तो चाहिए एक बार, हो सकता है किसी को मदद चाहिए हो। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन मनोज की बात भी सही थी, इसलिए उसने सोचा कि एक बार देख लेना ही सही है। उसने एक पत्थर उठा लिया ताकि कुत्तों को भगा सके। उसने कुत्ते की तरफ पत्थर फेंका और वे कुत्ते तुरंत वहां से भाग गए। फिर अजय और मनोज पेड़ के पीछे की तरफ गए तो ये देखकर उनके होश उड़ गए कि वहां तो कोई है ही नहीं। अजय ने कहा, ये क्या, अभी तो किसी चीज़ की परछाई यहाँ दिखाई दे रही थी, अब यहाँ कुछ है ही नहीं। मनोज ने कहा, लगता है हम लोग बेकार में ही परेशान हो गए, वो पेड़ की ही परछाई होगी। अजय ने कहा, लग तो नहीं रहा था। मनोज ने कहा, छोड़ो ना, चलो चलते हैं। मनोज ने अजय का हाथ पकड़ा और दोनों वापस ट्रक में आकर बैठ गए। अजय ने कहा, अब मैं ट्रक कहीं नहीं रोकूंगा, अब तो ट्रक सीधे खड़गपुर में जाकर ही रुकेगी। मनोज ने कहा, ठीक है। फिर दोनों वहां से निकल गए। करीब आधे घंटे के बाद अचानक से अजय को गाड़ी चलाने में परेशानी होने लगी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रक के ऊपर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जिससे उसका ध्यान भटक रहा था। उसने कहा, तुम्हें किसी की आवाज़ सुनाई थी क्या। मनोज ने कहा, नहीं तो। अजय ने इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे ट्रक के ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई ट्रक में इधर से उधर चल रहा हो। अजय को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत ट्रक को रोक दिया।
मनोज ने कहा, क्या बात है भैया, आप तो कह रहे थे कि ट्रक अब सीधा खड़गपुर में ही जाकर रुकेगी, अब क्या हुआ? अजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ट्रक से उतरकर ट्रक के ऊपर देखने लगा कि वहाँ कौन है। मनोज भी पीछे पीछे उतर गया। उसने कहा, अरे भैया कोई तो नहीं है यहाँ पे, आप बेकार में परेशान हो रहे हो। अजय ने कहा, कोई तो था भाई, अजीब सी आवाज़ आ रही थी। उसने इतना ही कहा और मनोज की ओर देखा, जो कि किसी चीज़ को देखकर चौंका हुआ नज़र आ रहा था। उसकी नज़र अजय के पीछे की ओर देख रही थी। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अजय ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? मनोज ने पीछे की ओर इशारा किया। अजय पीछे मुड़ा और मनोज के साथ साथ उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक से करीब 20 कदम की दूरी पर सड़क के बीचों बीच एक अजीब सा प्राणी नजर आ रहा था, जिसकी कमर झुकी हुई थी। उस प्राणी ने कंबल ओढ़ रखी थी, उसकी बस आंखें ही नजर आ रही थी, वो भी चमक रही थी। अजय ने कहा, ये क्या चीज है? मनोज ने कहा, ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है? अजय ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, आज के समय में कहाँ होते हैं भूत प्रेत, कोई आदमी है शायद। मनोज ने कहा, औरत है, वो देखो उसने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। अजय ने देखा कि उस प्राणी के हाथों में चूड़ियाँ हैं। अजय ने पीछे कदम हटाया और देखा कि वो प्राणी हाथ और पैर के सहारे जानवर की तरह चलकर आगे आ रहा था। उसने कहा, ये हाथ और पैर के सहारे ऐसे क्यों चल के आ रही है? अजय और मनोज दोनों उससे दूर हटने लगे। जैसे जैसे वो औरत पास आते गई, वैसे वैसे अजय और मनोज को कुछ अजीब सी गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अजय ने कहा, ये किसी जानवर की तरह क्यों गुर्रा रही है, मुझे ये ठीक नहीं लग रही भाई, चल जल्दी यहाँ से ट्रक में बैठ। अजय और मनोज बिना वक्त गवाए ट्रक में बैठ गए और अजय ने ट्रक चालू करने की कोशिश की, पर अफसोस कि ट्रक चालू ही नहीं हुई। मनोज ने कहा, जल्दी करो भैया, क्या कर रहे हो? अजय पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन न जाने ट्रक क्यों नहीं चालू हो रही थी। अजय ने कहा, छोड़ ट्रक को और जल्दी से भाग यहाँ से। दोनों ट्रक से उतरने ही वाले थे लेकिन अजय ने उस औरत को ट्रक के पास खड़ा देखा, जो उसे ही घूर रही थी। मनोज तो दूसरी तरफ से उतर गया और अजय भी उसी के पीछे पीछे उतरकर उसी दिशा में भागने लगा जहाँ से दोनों आ रहे थे। भागते भागते अजय ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वो औरत उस जगह पर नहीं है जहाँ वो खड़ी थी। अजय ने कहा, रुको भाई, वो कहाँ गायब हो गई? दोनों ने अपनी नज़रें दौड़ाई लेकिन दूर दूर तक उन्हें वो अजीब और खौफनाक औरत नहीं दिखाई दी। मनोज ने कहा, लगता है वो चली गई होगी भैया, हो सकता है कोई पागल होगी, ऐसे लोग भी इधर उधर भटकते हुए दिखाई देते हैं। अजय ने कहा, ठीक कह रहे हो, चलो अच्छा है हम बच गए, चलो अब ट्रक को देखना है कि वो चालू क्यों नहीं हो रही। दोनों ट्रक के पास पहुंचे और जैसे ही अजय चढ़ने वाला था वैसे ही उसके मुंह से चीख निकल गई और वो घबरा गया। उसकी सीट पर वही अजीब सी औरत बैठी हुई थी। अजय ने कहा, ओए पागल औरत, हम जान गए तू पागल है और हमको डराने की कोशिश कर रही है, चल नीचे उतर और भाग जा यहाँ से वरना पागल खाने भेज दूंगा। बदले में उस औरत ने उसे गुर्राते हुए देखा। मनोज ने कहा, जानवरों की तरह क्यों गुर्रा रही है, तुझे क्या लगता है हम डर जाएंगे, चल भाग यहाँ से। उस औरत ने मनोज की ओर देखा। मनोज शांति से खड़े होकर उसके नीचे उतरने का इंतजार कर रहा था लेकिन बजाय इसके वो औरत अचानक से मनोज के ऊपर ही कूद गई और मनोज जमीन पर गिर पड़ा। वो औरत उसके ऊपर ही बैठी हुई थी और अचानक से उसने मनोज की गर्दन पकड़ ली। अजय मनोज के पास आया और उसने उस औरत को दूर खींचने की कोशिश की। ए छोड़ उसको पागल औरत, छोड़ उसको वरना अच्छा नहीं होगा।
अजय की तमाम कोशिश के बाद भी उस औरत ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अजय को ही धक्का दे दिया। मनोज ने भी उस औरत से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अजय उठा और उसने अचानक ही उस औरत का चेहरा पकड़ लिया और पीछे खींचने की कोशिश करने लगा। इसी बीच उस औरत ने फिर से उसे धक्का दिया और इस बार अजय जब पीछे की तरफ गिरा तो साथ ही उस औरत का कंबल भी निकल गया, जिसके बाद उसका असली और खौफनाक चेहरा मनोज के सामने आ गया। मनोज की आंखें खुली की खुली रह गई, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी जिंदगी में इससे भयानक चेहरा नहीं देखा था। उस औरत का आधा चेहरा ही जला हुआ था और दांत टूटे फूटे लेकिन नुकीले थे। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और अचानक पीले रंग की हो गई थी। मनोज का दम घुटने लगा था और अजय ने भी जब उसका भयानक चेहरा देखा तो उसकी भी कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। वो औरत मनोज के चेहरे के पास गई और उसकी आंखों में देखने लगी। मनोज भी सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। फिर अजय ने जो देखा उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि मनोज की आंखें भी पीली होने लगी थी। अजय ने सोचा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मनोज के साथ कुछ कर रही है, कहीं इसे अपने वश में न कर ले। अजय को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे मनोज को बचाए। लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि ट्रक में लाठी रखी हुई है। वो ट्रक से लाठी लेकर आया और उसने उससे उस औरत के सर पर जोर से डंडा मारा। इससे एक पल के लिए वो औरत रुक गई और अजय की तरफ बढ़ने लगी। मनोज की आंखें वापस से नॉर्मल हो गई थी। उस औरत ने मनोज को छोड़ दिया लेकिन फिर वो अजय की तरफ बढ़ने लगी। अजय डर के मारे कांपने लगा। मनोज जोर जोर से खांस रहा था। वो जैसे तैसे करके खड़ा हुआ। वो औरत वापस अपने हाथ और पैर के जरिए चलते हुए अजय की ओर बढ़ रही थी, तो मनोज ट्रक के पीछे जाकर छुप गया। अजय वहां से भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर भाग पाता वो औरत जानवर की तरह उसके ऊपर झपट पड़ी। बिना समय गवाए उसने अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुसा दिए। अजय के दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि मनोज कांप गया। अजय चीख रहा था लेकिन डर के मारे मनोज कुछ कर नहीं पाया। वो औरत अजय का खून चूसने लगी और मनोज बस चुपचाप छुपे हुए देख रहा था। वो औरत जानवर की तरह उसका खून पीते हुए आवाज निकाल रही थी। अजय अचानक से शांत पड़ गया और ये देखकर मनोज की सांसें रुक गई। अजय मर गया, लेकिन उसके बाद भी उस औरत ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसके गर्दन के जिस हिस्से से उसने खून चूसा था उसी हिस्से का मांस भी खाने लगी। मनोज से ये सब देखा नहीं गया। वो इस तरह की दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ट्रक में बैठ गया और ट्रक चालू करने की कोशिश की। शायद उसकी किस्मत में उस दिन जीना लिखा था, इसलिए ट्रक भी चालू हो गई और वो तुरंत वहां से निकल गया। जाते हुए उसने आईने में एक बार अजय की ओर देखा, जो कि टुकड़ों में इधर उधर पड़ा हुआ था और वो औरत उसके शरीर का एक एक मांस खाने में लगी थी। मनोज वहां से सीधा खड़गपुर पहुंचा। वहां जाकर सबसे पहले वो अपने मालिक के पास गया, जिसके पास उसे माल पहुंचाना था। उसके मालिक ने पूछा, अजय कहाँ है? अजय का नाम सुनकर मनोज जोर जोर से रोने लगा। उसके मालिक ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मनोज उस हादसे को लेकर बहुत डरा हुआ था। उसने उस दिल दहला देने वाली बात को अपने मालिक को बताया और उसका मालिक वो सब सुनकर बेहद चौंका हुआ था। उसके भी पसीने छूट गए। मनोज ने कहा, उसने मेरी जान बचाई लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया मालिक। पता नहीं वो कौन थी, इतनी बेरहमी से उसने उसे मार दिया। उसके मालिक के रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ जानता है लेकिन बता नहीं रहा। मनोज ने कहा,
मैं दोबारा इस रास्ते नहीं जाऊंगा और ना ही किसी को आने दूंगा। उसके मालिक ने कहा, अरे भैया धंधा कैसे चलेगा फिर, ज़्यादातर माल मैं तुम्हारे शहर से ही मंगवाता हूँ। मनोज ने गुस्से से कहा, आपको किसी की ज़िंदगी से बढ़कर अपने धंधे की पड़ी है। मालिक ने कहा, ऐसा नहीं है भाई, मैं समझ रहा हूँ कि उस रास्ते से गुजरना सही नहीं है, लेकिन यही इस समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि जिस औरत को तुम लोगों ने देखा वो कहीं भी जा सकती है, सिर्फ वही रास्ता उसका ठिकाना नहीं है, वो हर सुनसान रास्ते में पहुंच सकती है। मनोज ने पूछा, आप जानते हैं क्या उस औरत को? मालिक ने कहा, देखो ऐसे हादसे एक वक्त में बहुत होते थे, लेकिन अचानक से वो सब होना बंद हो गया, तो हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो औरत बंगाल की डायन है। मनोज ने चौंकते हुए कहा, डायन? मालिक ने कहा, हाँ वो औरत आते जाते लोगों को अपने वश में करती है और फिर उसका खून पी लेती है। वो जानवरों की तरह चारों हाथ और पैर के सहारे चलती है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। वो कब कहाँ से हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। खतरनाक बात तो ये है कि वो दिन में इंसानों की तरह ही आम जिंदगी जीती है, लेकिन रात होते ही न जाने कैसे उसके अंदर कौन सी काली शक्ति आ जाती है कि वो बिल्कुल जानवर में बदल जाती है। मनोज ने कहा, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या? मालिक ने कहा, पता नहीं, देखो वो अकेली डायन नहीं है यहाँ, हो सकता है कि और भी बहुत सारी डायन हो यहाँ। मनोज ने कहा, मुझे पता नहीं, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, बल्कि मैं बंगाल में ही कभी कदम नहीं रखूँगा। मालिक ने कहा, देखो हम उस डायन को ख़त्म करने का प्रयास कर सकते हैं, अगर तुम हमारा साथ दो तो। मनोज ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, और एक डायन को मार कर क्या ही मिल जाएगा। मालिक ने कहा, देखो उस रास्ते से आने जाने वाले और लोगों की जान बच सकती है, और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, कुछ नहीं होगा किसी को। मनोज ने इस बारे में सोचा और कहा, लेकिन कैसे करेंगे हम ये सब? वो तो डायन है, कोई आम चीज़ नहीं है, हम तो इंसान हैं, उसका सामना कैसे करेंगे? मालिक ने कहा, कोशिश तो कर सकते हैं ना। मनोज ने काफ़ी देर तक सोचा और फिर मान गया। उसी रात करीब 9 से 10 बजे मनोज वापस अपने शहर की ओर जा रहा था। करीब 3 घंटे के बाद वो उसी जगह पर पहुंचा जहां पर अजय की मौत हुई थी, और उसी जगह पर उसने ट्रक को रोक दिया और नीचे उतर गया। उसने उस जगह को देखा जहां कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। वो जानता था कि वो हड्डियां अजय की ही थी। वो इधर उधर देखने लगा, आसपास उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो वापस ट्रक में जाकर बैठ गया, और जैसे ही उसने ट्रक चालू करने की कोशिश की, ट्रक पहले की तरह ही चालू नहीं हुई, जिससे उसका दिल दहल गया। वो हड़बड़ा गया और ट्रक चालू करने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब ट्रक चालू नहीं हुई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। आसपास बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा था। फिर अचानक गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। मनोज और सहम गया और बड़बड़ाने लगा, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। तभी ट्रक के ऊपर से आवाज़ आई, जैसे कि कोई जोर जोर से ट्रक के ऊपर कूद रहा हो। मनोज नीचे उतरा और ट्रक के ऊपर देखने लगा, वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र ट्रक के सामने की ओर गई और वो सहम गया। उसके सामने वही डायन खड़ी थी। वो अपने चारों हाथ पैर के सहारे खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। लेकिन इस बार मनोज उसकी आंखों में नहीं देख रहा था। उसने ट्रक से लोहे की रॉड निकाली ताकि खुद की हिफाजत कर सके। वो डायन उसकी ओर बढ़ने लगी और मनोज एक एक कदम पीछे हटने लगा। डायन भागते हुए उसके पास आने लगी और मनोज तुरंत वहां से ट्रक के पीछे की ओर भागने लगा।
जब वो ट्रक के पीछे गया तो उसने ट्रक के पीछे का डोर खोल दिया और उसके अंदर से मनोज का मालिक निकला और कुछ और आदमी आग की मसाल लेकर बाहर निकले। उन्हें देखकर वो डायन रुक गई और गुर्राने लगी। मालिक ने कहा, बहुत लोगों का खून पी लिया तूने, अब नहीं बच पाएगी। दिन में तो समझ ही नहीं आता कि तू कौन है और कहाँ है, लेकिन अब जब तू सामने है तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डायन जोर जोर से गुर्राने लगी। कोई भी उससे नजरें नहीं मिला रहा था, क्योंकि एक बात तो लोगों को समझ आ गई थी कि अगर उन लोगों ने उससे नजरें मिलाई तो हो सकता है कि वो उन्हें अपने वश में कर ले। सभी लोग मसाल लेकर डायन की ओर बढ़ने लगे और डायन गुर्राते हुए पीछे हटने लगी। मालिक ने मसाल से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे की ओर भागने लगी। लेकिन फिर डायन ने देखा कि उसके पीछे भी लोग मसाल लेकर खड़े हुए थे। सब लोगों ने उसे घेर लिया था। मनोज को यकीन नहीं हो रहा था कि उन लोगों ने सच में उस डायन को घेर लिया है। उसे लगा था कि अब वो लोग उस डायन को मार देंगे। डायन ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक से एक आदमी ने मसाल आगे कर दी, जिससे आग की लपटों को देखकर वो डायन डर के पीछे हट गई। उस डायन ने कई बार ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई। सब लोगों ने उसे घेर रखा था और धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। ऐसा देखकर वो डायन जमीन पर बैठ गई और उसने अपना सिर झुका लिया, मानो वो सबसे विनती कर रही हो। मनोज को बहुत गुस्सा आया। आखिरकार उसने अजय को इतनी बेरहमी से मारा था। उसने लोहे की रॉड उठाई और उससे डायन को बहुत मारा। हालांकि उससे डायन को कोई असर नहीं हो रहा था। मालिक ने कहा, मनोज, इससे कुछ नहीं होगा। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया और वो आदमी केरोसिन का डब्बा लेकर आया। मालिक ने उसे डायन के ऊपर डाल दिया। वो डायन कांप रही थी और उसके गले से गुर्राने की आवाज़ निकल रही थी। फिर उन लोगों ने आग की मसाल को उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे उसका शरीर जलने लगा और वो चिल्लाने लगी। सब लोग दूर हट गए और उसे जलते हुए देखने लगे। कुछ ही देर में उस डायन का शरीर जलकर राख हो गया। मनोज ने कहा, क्या वो सच में मर गई? मालिक ने कहा, पता नहीं, लगता तो है। उम्मीद है कि अब इस रास्ते में ऐसे हादसे और नहीं होंगे। मनोज को अभी भी विश्वास नहीं था कि वो डायन मर गई, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ इतनी आसानी से नहीं मर सकती। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि अब उसे ऐसी डायन से बचने का एक तरीका मालूम है। उसके बाद मनोज ने अपने मालिक का शुक्रिया अदा किया और तुरंत वापस अपने शहर के लिए निकल गया। जाते हुए उसने उस रास्ते को आखिरी बार देखा और एक बात तो वो अच्छे से जानता था कि वो उस रास्ते में दोबारा अब कभी नहीं आएगा, जहां उसने अपने एक अच्छे साथी को इतनी दर्दनाक मौत मरते हुए देखा था। यार, मैं कहां फंस गया? अच्छा खासा कॉटेज में आराम कर रहा था, लेकिन इस धवल के चक्कर में अब इस जंगल में भटकना पड़ रहा है। पता नहीं कहां गायब हो गया। इतना कहकर संजय ने अपनी वॉकी टॉकी निकाली और किसी को संपर्क करके बोला, सर, धवल का कोई अता पता नहीं है, मैंने पूरा एरिया छान मारा। उसके बॉस ने उसे सिर्फ एक बात बोली कि वो धवल को ढूंढता रहे। इससे संजय को और गुस्सा आने लगा। उसने कॉल डिसकनेक्ट किया और रात के 1 बजे उस घने जंगल में धवल को ढूंढने लगा। आखिर क्या हुआ था धवल के साथ और संजय उसे क्यों ढूंढ रहा था? वो दोनों जंगल में क्या कर रहे थे? ये जानने के लिए आइए सुनते हैं आज की ये डरावनी कहानी। संजय अपने घर के बाहर बैठे हुए सिगरेट पी रहा था और कुछ पुरानी बातें याद कर रहा था। तभी उसका भतीजा अनूप उसके पास आया और बोला, चाचा, आज कौन सी कहानी सुनाने वाले हो? उसकी बात सुनकर संजय हंसा और बोला,
कि आज वो कोई कहानी नहीं सुनाएगा बल्कि उसके साथ घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताएगा जो आज भी उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी हैं। अनूप ने कहा कि ऐसा क्या हुआ था उनके साथ। ये सवाल सुनते ही संजय 10 साल पहले बीते उस समय के बारे में सोचने लगा जिसकी एक झलक भी जहन में आने पर उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उसने कहा, ये बात 10 साल पुरानी है बेटा, और जो मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सच है। अनूप चुपचाप बैठकर उसकी बातों पर गौर करने लगा। धवल और संजय फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे जो उत्तराखंड के जंगलों में रात को सर्वे करने के लिए आए हुए थे। दोनों जंगल में बने एक कॉटेज में आराम कर ही रहे थे कि अचानक दोनों को कॉटेज के बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो सुनकर दोनों को लगा कि जंगल में बिना किसी इजाज़त के कोई घुस आया है, इसलिए संजय ने धवल को बाहर जाकर जांच पड़ताल करने के लिए भेज दिया और वो कॉटेज में आराम से सो रहा था। धवल ने कहा कि वो अकेले ये कैसे करेगा, तो इस बात पर संजय ने कह ही दिया कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। धवल उसका जूनियर था तो उसकी बात मानकर वो बाहर अकेले चला तो गया, लेकिन 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया। संजय काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब वो इतने समय से आया ही नहीं तो उसे उसकी चिंता हो गई, इसलिए वो अपनी बंदूक लेकर बाहर उसे ढूंढने निकला। उसने पहले आसपास धवल को ढूंढा, उसे आवाज़ दी, लेकिन धवल कहीं दिखा ही नहीं, इसलिए उसने अपने बाकी साथियों को भी धवल के गायब होने के बारे में खबर दी और सब मिलकर धवल को ढूंढने लगे। लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी धवल का कोई अता पता नहीं चला। संजय जिस इलाके में उसे ढूंढ रहा था वहाँ वो बिल्कुल अकेला था। जब धवल के बारे में कोई सुराग नहीं मिला तो उसने अपने सीनियर को कॉल किया और उसके सीनियर ने गुस्से में कहा, तुमने उसे अकेला छोड़ा ही क्यों, अब ढूंढो उसे तब तक जब तक वो मिल नहीं जाता। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और संजय गुस्से में धवल को ढूंढने लगा। वो इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गया कि वो किसी नदी के आसपास पहुंच गया है। जब संजय थोड़ा और आगे गया तो उसे सामने एक नदी बहती हुई दिखाई दी, लेकिन आसपास पड़े हुए हड्डियों और खोपड़ियों को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब धवल को लेकर उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसे लगा कि उस इलाके में जंगली जानवर होते होंगे और इसकी गुंजाइश भी थी कि धवल किसी जंगली जानवर का शिकार बन गया होगा। संजय ने धवल को वहां पर भी आवाज़ दी, लेकिन वहां जंगली पक्षियों के अलावा उसे किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। वो टॉर्च के जरिए इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी नज़र एक पत्ते पर ऊपर से टपक रहे खून पर गई। उसे देखकर एक पल के लिए उसका दिमाग घूम गया, फिर जैसे ही उसने अपनी टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई तो उसके होश उड़ गए। वो अचानक थरथराने लगा क्योंकि ठीक पास वाले पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक लाश लटक रही थी और उसी का खून नीचे टपक रहा था। संजय को एक पल के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन थोड़ा दिमाग से काम लेने के बाद उसने तुरंत अपने सर को कॉल करके इसकी खबर दी और आधे घंटे के अंदर वहां पर संजय की पूरी टीम पहुंच गई जिसमें 4-5 ऑफिसर्स थे। उन्होंने जैसे तैसे उस लाश को नीचे उतारा और उसकी घिनौनी हालत देखकर सबके दिल दहल गए। वो एक ऑफिसर की ही लाश थी जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसके हाथ खुद ही उसकी पेट में घुसे हुए थे और शरीर के अंदर के ऑर्गन बाहर निकले पड़े थे। एक पैर भी बीच से आधा कटा हुआ था, कुछ ऐसे जैसे कि अगर किसी ने उसका पैर भी पकड़ा तो वो पैर उसके हाथ में ही आ जाएगा। भले ही उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा हो, लेकिन संजय जानता था कि वो लाश धवल की ही है क्योंकि उसके हाथ में उसकी घड़ी साफ पहचान में आ रही थी। सभी ऑफिसर्स
उसकी उस हालत को देखकर इतने डर गए थे कि उन्होंने उसी समय उस जंगल से जाने का फैसला कर लिया। संजय के भी पसीने छूट गए थे और वो भी उस भयानक जंगल में रुकना नहीं चाहता था, लेकिन वो जानना चाहता था कि उसकी ऐसी घिनौनी हालत करने वाला कौन सा जानवर या राक्षस है। उसने फैसला लिया कि वो उसी जंगल में रुककर धवल के साथ हुए हादसे की जांच पड़ताल करेगा। उसने अपने सीनियर से इसकी इजाज़त भी ले ली और उसके साथ दो और ऑफिसर्स रुके जिनका नाम था वरुण और नीरज। धवल की लाश को लेकर बाकी ऑफिसर्स जंगल से तुरंत निकल गए और अब उस जंगल में सिर्फ संजय, नीरज और वरुण ही रह गए। जंगल में अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाई गई थी ताकि सर्वे करते समय ऑफिसर्स वहाँ रह सके, और जिस नदी के पास धवल की लाश मिली उस नदी के पास भी एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, लेकिन कोई भी ऑफिसर वहाँ रुकना नहीं चाहता था क्योंकि रात के समय में यही वो इलाका था जहाँ जंगली जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे, यानी इस समय खतरा बहुत ज़्यादा था। लेकिन धवल की मौत का सच जानने के लिए तीनों ऑफिसर्स उस झोपड़ी में चले गए। सुबह होने वाली थी, 4 बज चुके थे और तीनों ऑफिसर्स झोपड़ी के आसपास नज़र बनाए हुए थे, लेकिन उस समय ना तो कोई उन्हें जानवर दिखाई दिया और ना ही कुछ और। जल्दी ही सुबह हो गई और तब तीनों ने आसपास के इलाके में अच्छे से छानबीन करने की सोची, लेकिन शाम होने तक उन्हें धवल की मौत का कोई सुराग नहीं मिला। तीनों बस ये बात जानते थे कि कोई भी जानवर किसी भी इंसान को ऐसे नहीं मारता। जल्दी ही रात हो गई और तीनों ऑफिसर्स साथ में बैठे हुए धवल के साथ हुए हादसे के बारे में सोच रहे थे। तभी संजय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने नीरज और वरुण की ओर देखा, दोनों उसके सामने बैठे हुए थे। फिर संजय ने अपने कंधे की ओर देखा, उसे कंधे पर एक हाथ नजर आया जो कि जला हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर के मारे एक पल के लिए मानो उसकी सांसें ही रुक गई थी। उसने नीरज को कहा, नीरज देखो तो जरा मेरे पीछे कौन है। नीरज और वरुण ने उसके पीछे देखा तो उन्हें कोई नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा कि उसके पीछे कोई नहीं है, तो संजय और डर गया। वो झटके से उठा और पीछे मुड़ा, पीछे सच में कोई भी नहीं था। वरुण ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। संजय के पसीने छूट गए थे लेकिन उसने वरुण को कुछ बताया नहीं और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। सामने आग जल रही थी जिसे संजय बड़ी गंभीरता से घूर रहा था। वरुण और नीरज ये देख रहे थे कि वो धवल की मौत को लेकर इतना दुखी था और हर समय उसी के बारे में सोच रहा था। वरुण ने उससे कहा, तुम जाओ थोड़ी देर सो जाओ, हम आसपास नज़र रखेंगे। संजय उसकी बात मानकर सोने चला गया, लेकिन करीब 12 बजे उसने कुछ सुना। वो उठ बैठा और तुरंत झोपड़ी से बाहर आया। उसने देखा कि वरुण चिल्ला चिल्ला कर नीरज को आवाज़ दे रहा था। उसने वरुण से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा, पता नहीं संजय, नीरज और मैं यहीं बैठे हुए थे और बस मैं वॉशरूम गया था, लेकिन जब वापस आया तो देखा नीरज यहाँ है ही नहीं। संजय घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं नीरज के साथ भी धवल जैसा हादसा ना हुआ हो। वो दोनों साथ में नीरज को आवाज़ देने लगे, तभी नदी की ओर से उन्हें आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों नदी की ओर भागे और उन्होंने जो मंजर देखा वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। नदी के किनारे नीरज की लाश पड़ी हुई थी और उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा घिनौनी थी, जो दोनों ऑफिसर से देखी भी नहीं जा रही थी। उसकी जबान कटी हुई थी, आंखें फूट चुकी थी, चेहरा कटा फटा था, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल एक जैसी थी, वो ये कि उसके हाथ भी उसी के पेट में घुसे हुए थे। संजय ने उसके बारे में भी अपने सीनियर को बताया। उसके सीनियर ने उन दोनों को फौरन वहां से आने के लिए कहा, लेकिन संजय अभी भी उस जंगल के रहस्य को जानना चाहता था, और वरुण ने कहा कि वो भी उसका साथ देगा। नीरज की फैमिली थी नहीं, इसलिए दोनों ऑफिसर ने
जंगल में ही नीरज की बॉडी को दफन कर दिया। दोनों ही उसकी मौत से बड़े सदमे में थे। संजय ने वरुण से कहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, यहाँ जान को खतरा है। लेकिन वरुण ने कहा कि वो उसका साथ जरूर देगा, ताकि आने वाले समय में कभी किसी ऑफिसर या किसी और की ऐसी दर्दनाक मौत ना हो। दोनों ने तय किया कि अब वो एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। रात के 2 बज रहे थे जब दोनों उस घने जंगल में इधर उधर साथ भटक रहे थे। वरुण ने कहा, अजीब है, कोई जंगली जानवर ऐसा करता तो उसकी आवाज़ जरूर सुनाई देती, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। जब नीरज को किसी ने मारा तो वो भी तो चीखा चिल्लाया होगा, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दी? ये बात संजय को भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी दोनों ने पीछे से आवाज़ सुनी। दोनों साथ में ही पीछे मुड़े और अचानक डर के मारे दोनों ने हवा में फायरिंग कर दी। उस आवाज़ को सुनकर जंगली पक्षी भी आवाज़ करते हुए उड़ने लगे, लेकिन कुछ मिनट के बाद वहाँ सन्नाटा छा गया। दोनों ने इधर उधर जाकर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। इतने में ही संजय के टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो गई और उसके पास दूसरी बैटरी भी नहीं थी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए वरुण ने कहा कि वो सुबह होने पर यहाँ वापस आएंगे, इसलिए वो वापस झोपड़ी की तरफ जाने लगे। लेकिन जब वो दोनों जा रहे थे तब अचानक संजय का पैर किसी चीज़ से टकरा गया और संजय नीचे गिर पड़ा। वरुण ने उसे उठाने के लिए टॉर्च एक पत्थर के सहारे टिका कर जमीन पर रख दी, लेकिन जैसे ही संजय खड़ा हुआ उसने टॉर्च की रोशनी में कुछ ऐसा देखा जिससे उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। संजय ने वरुण को उस तरफ देखने को इशारा किया, लेकिन जब वरुण ने पीछे देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वरुण ने पूछा, क्या देख लिया तुमने? संजय के गले से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे कहा, वहाँ पेड़ पर कोई उल्टा लटका हुआ था, बिल्कुल चमगादड़ जैसा। वरुण को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। संजय ने कहा कि वो सच कह रहा है, उसने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके लंबे कान थे और वो एक इंसान था, लेकिन पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। वरुण ने कहा कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। संजय ने उसे बार बार कहा कि वो सच बोल रहा है, पर वरुण ने यकीन ही नहीं किया। वो दोनों वापस झोपड़ी में गए और दोनों ही सो गए, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। लेकिन अचानक संजय के साथ वहाँ एक और घटना घटी। जब वो दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे तब अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर कोई भारी भरकम चीज रखी हुई थी। वो करवट लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था, ना वो कुछ बोल पा रहा था और ना ही आंखें खोल पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसका दिल दहल गया। उसने अपने ऊपर एक अजीब से प्राणी को बैठे हुए देखा, जो दिखने में इंसान था, लेकिन उसकी आंखें लाल, कान चमगादड़ की तरह लंबे और हाथों के पंजे बहुत ही चौड़े से थे। उसके नाखून बहुत लंबे थे और उसके सिर पर बाल की बजाय 2 छोटे छोटे सींग थे। देखने में वो किसी वैम्पायर की तरह लग रहा था। उसे अचानक अपने ऊपर बैठा देखकर संजय के शरीर का मानो खून ही जम गया हो। वो कांप रहा था, लेकिन अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। उस अजीब से प्राणी ने अपना मुंह खोला, जिसके दांतों में एक चिपचिपी सी गंदी चीज नजर आ रही थी। उसे देखकर संजय इतना डर गया कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब 2 मिनट तक उसे वापस कुछ महसूस नहीं हुआ तो वो उठ के बैठ गया। उसने देखा कि झोपड़ी में वो अकेला था और वरुण न जाने कहाँ चला गया था। संजय का शरीर अभी भी थरथरा रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो बाहर गया और उसने देखा कि बाहर वरुण बंदूक लेकर खड़ा हुआ था। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो वरुण ने कहा, बाहर से किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए चेक करने आ गया, पता नहीं क्या है यहाँ, जो होते हुए भी सामने नहीं आ रहा। संजय ने उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया, जिसे जानकर वरुण के होश उड़ गए। वो समझ गया था कि ऐसा वहम बार बार नहीं होगा।
अब कहीं ना कहीं उसको समझ आ रहा था कि धवल और नीरज के मौत के पीछे उसी प्राणी का हाथ हो सकता है। जल्दी ही सुबह हो गई और वरुण ने अपने सीनियर से और ऑफिसर्स जंगल में भेजने को कहा ताकि सब मिलकर वहां होने वाले हादसे के बारे में पता लगा सके, लेकिन कोई भी ऑफिसर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था तो सब ने वहां आने से मना कर दिया। उस दिन वरुण और संजय दोनों सुबह से शाम तक उस अजीब से प्राणी की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें वो दिखा ही नहीं। वो शाम तक दोनों ही नदी से काफी दूर जा चुके थे और जब तक उन्हें इस बात का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उनके पास रोशनी का कोई सोर्स नहीं था। वरुण के टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। वो दोनों जल्दी जल्दी झोपड़े की तरफ वापस आने लगे ताकि अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच सके, लेकिन दोनों बहुत दूर निकल चुके थे इसलिए जल्दी ही अंधेरा हो गया। फिर दोनों साथ साथ धीरे धीरे चलने लगे ताकि वो किसी जंगली जानवर के चपेट में ना आ जाए। तभी शेर की दहाड़ सुनकर दोनों चलते चलते रुक गए। डर के मारे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों के पास बंदूक तो थी लेकिन वो किसी भी जंगली जानवर को मार नहीं सकते थे। दोनों आराम से वहां से निकलने लगे और फिर उन्होंने और भी जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वरुण ने कहा, यहाँ से ऐसे निकलना सही नहीं है, हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए ताकि कोई जंगली जानवर उन पर अटैक न कर सके। उसकी बात संजय को सही लगी और दोनों तुरंत पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। अंधेरा घना होता जा रहा था और दोनों डर कर बैठे हुए थे, लेकिन कब ऊपर बैठे हुए उन्हें नींद आ गई पता ही नहीं चला। उस समय रात के 1 बज रहे थे जब संजय के गालों पर एक हाथ आया। संजय ने सोचा कि वो हाथ वरुण का होगा तो उसने उसे पकड़कर हटा दिया, लेकिन वापस से उसके गाल पर एक हाथ आया और इस बार संजय को गाल पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने वो हाथ पकड़ा और आंखें खोलकर देखा। उसकी आंखें मानो बाहर आ गई और वो जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर वरुण भी उठ गया और वो भी सामने का नज़ारा देखकर इतना घबरा गया कि हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसल गया और वो पेड़ से नीचे गिर पड़ा। इतने में ही उसके बगल में एक लाश गिरी जिसे देखकर वरुण के पसीने छूट गए। वो लाश नीरज की थी जिसे दोनों ऑफिसर्स ने अपने हाथों से दफनाया था, लेकिन न जाने कैसे वो उस पेड़ पर जा पहुंची जिसे देख दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। संजय तुरंत नीचे आया और उसने वरुण की मदद की। दोनों बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागना शुरू कर दिया, लेकिन इतने में ही उन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे कोई तेज रफ्तार से भागते हुए उनके पीछे आ रहा हो। वरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब संजय ने पीछे देखा तो उसे वही अजीब सा प्राणी पीछे आता हुआ नजर आया। उसे देखकर वो एकदम से रुक गया और बोला, वरुण यही है वो। वरुण भागते हुए रुका और जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें भी एक पल के लिए मानो रुक गई। उसने पेड़ पर उस अजीब से प्राणी को उल्टा लटका हुआ देखा। उसने कहा, ये क्या चीज है, संजय भागो यहाँ से वरना ये हमें भी मार देगा। संजय ने भागने के बजाय बंदूक से उस पर निशाना साधा, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ गए कि उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो प्राणी अजीब सी आवाज़ निकालने लगा। वो सुनकर दोनों डर गए। वरुण ने कहा, अरे इस पर कोई असर नहीं हो रहा है बुलेट का, इसने हमें पकड़ लिया तो वैसे ही दर्दनाक मौत देगा, चलो यहाँ से। वरुण संजय को लेकर भागने लगा। भागते भागते वो दोनों आखिरकार नदी के पास पहुँच ही गए और झोपड़ी के अंदर चले गए। वरुण बाहर की तरफ झांक कर देखने लगा कि वो प्राणी वहाँ है या नहीं, तो बाहर उसे कुछ नहीं दिखा। संजय ने कहा, अब क्या करें। वरुण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसके मन में अब ये बात चल रही थी कि कैसे भी करके उन्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने ये बात संजय को कही तो उसे भी यही ठीक लगा। उसने कहा, नीरज और धवल की मौत के पीछे वही अजीब जानवर है, इस बात में कोई शक नहीं है, और अब ये जानने के बाद भी वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उस पर बुलेट का भी असर नहीं हो रहा, इसलिए उनका अब यहाँ से भाग जाना ही सही रहेगा।
वरना वो लोग भी उसके शिकार बन जाएंगे। वरुण ने अपने सीनियर से बात करके तुरंत मदद भेजने को कहा और उसके सीनियर ने कहा कि एक घंटे के अंदर उनकी टीम उन्हें लेने पहुंच जाएगी। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हुआ वैसे ही झोपड़ी के बाहर से तेज आवाज आई। वो सुनकर दोनों बाहर गए तो दोनों ने ठीक सामने से उस जंगली जानवर को आते हुए देखा। वरुण तुरंत झोपड़ी में गया और एक जाल लेकर आया। वो जानवर तेजी से अपने चारों हाथ और पैर के बल चलते हुए उनकी तरफ आने लगा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वरुण ने उस पर जाल फेंक दिया। इससे वो जानवर रुक गया और खुद को जाल से आजाद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब वो बाहर नहीं आ पाया तो उसने अपने दांतों से उसे काटना शुरू कर दिया। वरुण और संजय ये देखकर डर गए और वहां से चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन अचानक न जाने कैसे वो जानवर तेजी से वरुण के ऊपर कूद पड़ा और उसने एक ही पंजा मारकर उसके गले को फाड़ दिया। संजय वो मंजर देखकर चौंक गया। उसने वरुण का नाम पुकारा, लेकिन तब तक वरुण की मौत हो चुकी थी। संजय के सामने ही उस जानवर ने घिनौनी तरीके से वरुण के पेट को फाड़ दिया और उसका हाथ उसके पेट में घुसा दिया। संजय डर के मारे चिल्ला रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो दिल रौंद देने वाला मंजर देख उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस जानवर ने संजय की ओर देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन संजय वहां से भागने लगा। संजय को जंगल का रास्ता पता था, इसलिए भागते हुए वो जल्दी से जंगल से बाहर निकल गया। किस्मत से उसकी वॉकी टॉकी उसके पास ही थी, जिससे उसने उसी समय अपने सीनियर से जल्दी मदद भेजने को कहा। जंगल से निकलने के बाद संजय को उस जानवर के पीछे आने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन वरुण की भयानक मौत देखकर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके सीनियर ने आधे घंटे के अंदर उसके पास मदद भिजवा दी, जिससे संजय उस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन उसके मन में जो खौफ बैठ चुका था, उसने जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं इसी के साथ एक और खौफनाक कहानियों में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।